महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस पर महिलाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं को जागरूकता संदेश के साथ ही सैनिटरी नैपकिन और साबुन का वितरण भी किया गया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करें, महिलाएं स्वच्छ और स्वस्थ रहकर ही अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। इस कार्यक्रम में विभाग के शासन सचिव के पाठक, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, अनुपमा सोनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश देना चाहूंगी कि हमें महिलाओं को अपनी चुप्पी को तोड़ना है। अगर इस महामारी के दौरान अगर कोई महिला अपने आप को बीमारी से ग्रसित महसूस करती है तो चुप्पी तोड़ के अपनी बात को बेबाकी से रखे, क्योंकि महिला का स्वस्थ रहना उस परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारी पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारी आशा सहयोगिनी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तो काम किया ही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर उस महिला ने जो उस परिवार की एक धुरी है उसने अपने बच्चों को स्वस्थ रखा, अपने बच्चों को कोरोना से लड़ने का संदेश दिया, तो वो सब महिलाएं भी कोरोना योद्धा है। राजस्थान की आधी आबादी जिसने राजस्थान को हिफाजत से रखा, संभाल के रखा, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आज के दिन कि उस आधी आबादी की वजह से राजस्थान के अंदर कोरोना जैसी महामारी कम स्प्रेड हो पाई, कम फैल पाई।